अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो आज की रेसिपी मिनी समोसे की है। मैंने मिनी समोसा बनाया है और उससे थोड़े बड़े साइज के समोसे भी बनाए हैं। अगर आपको ये दोनों में से कोई भी पसंद आती है आप तो वो बना सकते हैं। अंदर की फिलिंग भी मैं कुछ अलग बनाऊंगी। ऐसा आलू मटर हम जैसे समोसे में डालते हैं वैसा नहीं डालेंगे। और जैसे ही हल्दीराम के पैकेट्स में आता है मिनी समोसे, आपने खाया होगा, हमने उसी टाइप का बनाने की कोशिश की है। और आप वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आप भी इस तरह के बनाएंगे आपके समोसे भी इतने ही मज़ेदार और यमी बन के तैयार होंगे। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह के मेरे सारे रेसिपी आप सबसे पहले देख पाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें, रेसिपी को फॉलो करें। अगर दोनों पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो फिर देर किस बात की है, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है मूंग दाल ले लिया है, क्योंकि हम अंदर की जो है फिलिंग बनाएंगे पहले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है और हाफ कप मूंग दाल को मैंने भिगा के दो एक घंटे के लिए रख दिया था। और उसको अब हम अच्छी तरह से धो के छान लेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे कि साबुत धनिया, साबुत जीरा और साबुत सौंफ, सब मैंने 1 टीस्पून लिया है। और तीनों को ही हम थोड़ा सा रोस्ट करके निकालेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे बस। तो रोस्ट होने के बाद इस मसाले को अलग ठंडा करने रखेंगे। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इस तरह से इसमें डालेंगे और थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो इसे क्या होता है ना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो क्रश करने के बाद, तो चलिए हम इसको प्लेट में डाल लेते हैं और इसे अलग हटा के रखेंगे। और अब एक मिक्सी का जार लेना है और हमें मूंग दाल ने हमने जिसे छान के रखा था उसे हमें क्या करना है, बिना कोई पानी डाले थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा सा थोड़ा पीस लिया है, लेकिन पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब मैंने एक पैन रख लिया है गैस पे। पैन गर्म होते ही 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है और ऑयल गरम होते ही हमने जो क्रश किया हुआ मसाला रखा था उसे डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो में ही रखेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक। सारी चीजों को हम धीमे आंच में ही भून लेंगे। ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1 मिनट के लिए भूनेंगे और हमने जो दाल पीस के रखा था मूंग दाल उसे डाल देना है। मूंग दाल डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे मसालों के साथ और गैस का फ्लेम हमें लो में ही रखना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे मसालों के साथ मूंग दाल को। तो आप देख सकते हैं मूंग दाल को मैंने 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून बेसन ऐड कर दिया है, ताकि हमारा जो अंदर की फिलिंग है वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई और अलग अलग हो जाए। आप देखेंगे जो कि उसके डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक बेसन को भी साथ में भून लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा जो फिलिंग बन के तैयार हो गया है और बहुत ही कुरकुरा भी बना हुआ है। तो इसे चलिए गैस बंद कर देती हूँ, अब इसे साइड में रखेंगे। जब तक कि हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक मैं यहाँ पे समोसे का आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप जो है मैंने मैदा ले लिया है और मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून से भी कम 1/4 टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दूंगी। मैं ये जो समोसा है खस्ता नहीं बना रही हूँ, थोड़ा कुरकुरी टाइप रखूंगी, तो इसीलिए मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। अगर आप खस्ता बनाना चाहते हैं तो 4 टेबल स्पून घी डाल के इसको अच्छी तरह से आप मसल लें। तो मैंने मिक्स कर लिया है घी को। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको एक डो, ना ही सॉफ्ट ना ही ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल सा डो बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसको ढक के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाएगा तो अब मैं डो को एक बार अच्छी तरह से मसल लूँगी हाथों से। मसलने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से लंबा करके इसका जो है पेड़े कट कर लेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उस तरह से हम पेड़े कट करके इसे निकाल लेंगे इसके।
एक पेड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से, इस तरह से हाथों से इसको अच्छी तरह से मसल देना है। और इसमें जो ड्राई मैदा है उसे डाल के मैं इसको बड़ा सा एक रोटी बना लूंगी पहले। तो देख सकते हैं बड़ा सा रोटी मैंने बना लिया है। अब कटोरा लेंगे छोटा सा और इसको हम कट करके इसकी शेप दे देंगे इस तरह से। और रोटी को ज्यादा मोटा नहीं बेलना है, जैसे आप रोटी बेलते हैं बस वैसा ही रखना है आपको इसकी थिकनेस। तो अब मैं आपको समोसा बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमें नाइफ से कट लगाना है। और एक साइड हमें पानी लगाना है और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये थोड़े बड़े साइज का मैं बना के बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको मिनी भी बना के बताऊंगी। अगर आपको इस टाइप का पसंद है तो आप इतने बड़े भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे और पूरे इस तरह से हर तरफ हम जो है पानी लगा लेंगे और इसको इस तरह से बीच में क्लिट्स डाल के और इसको समोसे का शेप दे देंगे। तो इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है मिनी से, तो अब मैं आपको मिनी भी बना के बताऊंगी, तो आप इस साइज की भी बना सकते हैं। अगर आपको मिनी बनानी है तो आप वो गोल रोटी से आपको डिवाइड कर लेना है दो हिस्सों में। अब ये बहुत ही ज्यादा छोटू छोटू बन के तैयार होंगे। तो एक साइड आपको पानी लगाना है, समोसे के जैसे फोल्ड करना है, कोन बना लेना है और उसके बाद अंदर उसकी स्टफिंग रखनी है और फिर राउंड से इस तरह से पानी लगाना है और सेम प्रोसेस में इस तरह से फ्लिट डालते हुए आपको समोसे का शेप दे देना है। तो देख सकते हैं मिनी समोसा हमारा रेडी है। तो आप जैसे चाहें वैसा शेप देके बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे साइज का बनाया है मैं, लेकिन मिनी ज़्यादा बनाऊंगी, बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए बनाया था। अगर आपको ये शेप पसंद है तो आप ये बना लीजिए या फिर आप बड़े साइज का भी बना सकते हैं। तो मिनी बना रहे हैं तो मिनी ही ज़्यादा हम बनाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। तो समोसे रेडी हो गए हैं, गरम तेल भी हमारा गरम है और हल्के मीडियम ऑयल में हमें इसे गरम ऑयल में डालना है वन बाई वन। और इसको गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो में रख के ही हमें इसे फ्राई करना है। और जितना आपका कढ़ाई में या पैन में आए आप उतना ही डालिए और उलट पुलट करके इसको हम समोसे का कलर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। जो कि इसे बनाना और फ्राई करना बहुत ही आसान है, बस छोटे छोटे बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मिनी बना रहे हैं तो इतना तो मेहनत करना ही है। तो देखने में भी बहुत ही क्यूटू सा लगता है। तो चलिए ये देख सकते हैं समोसे में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो इसी तरह से सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने मिनी फ्राई करने के बाद उससे थोड़ा बड़े साइज के समोसे भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो आप इसे चटनी सॉस किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत दोनों में बहुत अच्छा लगता है। और इसकी अंदर की फिलिंग जो है, स्टफिंग जो है, वो भी बहुत ही यम्मी लगती है कचौरी के जैसे। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी समोसे की रेसिपी कैसी लगी, यानी कि मिनी समोसे की। तो अगर आपको और मेरी रेसिपी बहुत सारे देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, उसे जाके आप देख सकते हैं। और ये रेसिपी जो अगर अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं फिर मिलूंगी एक नए मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।